हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय माता दी, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 5:30 से थोड़ा सा ऊपर हो गया है और मॉर्निंग का बहुत सुबह सुबह, और आज है नवमी वाला दिन। तो आज ये नवमी का व्लॉग है। तो यहाँ पे देखिए, आलू उबल चुके हैं, बॉईल हो गए हैं, और कचौड़ियाँ वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि नवमी की पूजा करनी है आज। और यहाँ पे बना ले रही हूँ मैं चाय सुबह सुबह, बस पापा जी के लिए चाय बनाऊँगी। वैसे तो मैं सुबह सुबह पानी पीती थी, लेकिन जब से मैंने नवरात्रों के व्रत रखे थे तो सुबह सुबह ये पानी वानी पीना छोड़ दिया था, क्योंकि पूजा लेट से करती थी इस वजह से। और सोचा तो था थोड़ा सा और जल्दी उठने का, पर थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि अलार्म लगाई थी, फिर उसको बंद करके मैं सो गई तो आँख लग गई थी। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बन गई है चाय। तो फटाफट से छान के उनको चाय दे देती हूँ, और उसके बाद फिर आज बच्चों की तो छुट्टी है, तो दूध वगैरह उनको बाद में पिलाऊंगी, क्योंकि अभी नहीं उठा रही हूँ। वो थोड़ा सा सोती रहेंगी तो काम मेरा थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो ये यहाँ पे सो रही हैं, और अब मैं आ गई हूँ रूम में। सबसे पहले मैं यहाँ पे रूम की झाड़ू वगैरह दूंगी, और आंगन की झाड़ू लग चुकी है, क्योंकि आंगन में झाड़ू ननद लगा देती है मेरी, तो आंगन की झाड़ू हो गई है। जो रूम से और किचन से लेके जो बाहर का जितना भी हिस्सा बचता है ना, वो वाला बस बाकी है, तो इस सब की मैं लगा देती हूँ। वैसे तो बिस्तर वगैरह मुझे दोबारा झाड़ना पड़ेगा, लेकिन अभी एक बार लगाई देती हूँ सुबह सुबह पहले, बाद में जब देखूँगी। तो बस बाहर सारा को अभी इसको देखिए सारे में लगा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं, अभी दिन भी हो गया है थोड़ा सा, अभी ना छोटे दिन होने लगे हैं, तो जैसे अभी अंधेरा निकलता है 5:30 बजे से, उतने ही बजे मैं उठी थी। तो यहाँ पे ले लिए मैंने आलू, और इनको छील के रख दूँगी। इनमें से बनाएंगे कचौड़ी और थोड़ी सी सब्जी बना लेंगे, क्योंकि फिर अगर ये ठंडे हो जाएंगे तो इनमें पड़ जाएंगी गांठें, और गांठें होने की वजह से ना फिर इनकी कचौड़ी अच्छी नहीं बनती है। तो इस वजह से पहले मैं इसी को लग गई हूँ। और आज मतलब आज नवमी वाला वो है, और मैंने भी रखे थे, आपको पता है नवरात्रों के व्रत, और मेरी ननद ने भी रखे थे, तो 9 दिन भूखे प्यासे रखे। सोचा तो था कि जैसे जिस दिन नवमी करेंगे उस दिन कन्या पूजन वगैरह कर देंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें विधि विधान से नहीं हो पाई। उसके मतलब एक नहीं दो रीज़न हो गए, क्योंकि सबसे पहले जैसे अपना परिवार तो नहीं, गाँव में जैसे बोला जाता है ना कुनबा होता है, जैसे बहुत बड़े होता है परिवार, तो उसमें जैसे एक लड़की का जन्म हुआ था, जिससे कि नवमी हम व्रत तो रख रहे थे, व्रत रखने की तो हमें बोल दिया गया था, लेकिन बोला था कि जैसे नवमी का पूजन नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से आज हम पूजा करनी ही नहीं थी। तो फिर हमने कन्या वगैरह को व्रत भी नहीं, उनको कन्या का मतलब अरेंज भी नहीं किया, लेकिन फिर पता चला कि उन्होंने आज ही वो जैसे नामकरण वाला वो है वो करा दिया, तो सुबह निकल गई थी, तो हम नवमी का पूजन कर सकते थे, लेकिन फिर लेट हो गया था पता चलते चलते। तो देखिए यहाँ पे सूजी भुज गई थी, मैं अभी आपको दिखा रही थी हलवा बनाने के लिए, और आटा लगा दिया है, और ये चने ना फिर सुबह ही भिगोए हैं मैंने, रात से तो भिगोए नहीं थे, क्योंकि आज पूजन करना ही नहीं था नवमी का, सिंपल बस हम लोग ऐसे ही व्रत खोल लेते, तो इस वजह से। लेकिन आज फिर ये गड़बड़ हो गई सच में, थोड़ा सा लगता है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर 9 दिन की व्रत कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा अहम कन्या पूजन का ही होता है, लेकिन वो तो मैं नहीं कर पाई, तो उसके लिए माता रानी से क्षमा ही चाहूँगी। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं नहा धो के, और थोड़ा सा जल्दी जल्दी किया है, लेकिन फिर भी, और ज़्यादा जल्दी इसलिए नहीं कर रहे थे कि क्योंकि उनके घर पहले ये सारे काम हो जाएं, उसकी वजह से फिर हम बाद में ही हमारे घर पूजा हो सकती थी, इसीलिए आज हमारा काम काफ़ी लेट भी हो गया था। तो बस आके मैं यहाँ पे बनाने लग गई हूँ हलवा, और चना रख दिए मैंने बॉयल करने के लिए, तो चने बॉयल होंगे, और यहाँ पे तब तक हलवा बना लूँगी, क्योंकि सूजी को भूनने में टाइम लगता है, हलवा को बनने में उतना कुछ टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पे कूट ले रही हूँ मैं उसके लिए इलायची, उसमें इलायची डाल दूँगी, और थोड़ी सी डाल दूँगी किशमिश और काजू, और बस यही सिंपल, और घी में इसको मैंने भून लिया था, और यहाँ पे डाल दूँगी इसमें चीनी, और इसको थोड़ी सी देर और पका लूँगी, काफ़ी गाढ़ी तो ये हो चुकी है, और बस थोड़ा सा पकाने के बाद फिर ये एकदम से बन के तैयार हो जाएगा हलवा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हलवा लगभग बन के रेडी हो गया है, तो बस इसको निकाल दूँगी थाली में और रख दूँगी, और फिर अभी उनको बॉईल करने के लिए रख दिया है, और सारी चीज़ें तैयार हैं। और ये प्रसाद वाला सामान ना मैंने नहाने के बाद किया, क्योंकि माता रानी का भोग इसी चीज़ का लगता है, हलवा पूड़ी और चने का, तो ये सारी चीज़ें ना मैंने नहाने के बाद की हैं। सब्जी तो बन गई, लेकिन सब्जी वब्जी नहीं हम उसमें रखते हैं, तो बस यहाँ पर मैंने थोड़े से ऊपर से और ड्राई फ्रूट्स थोड़े से ऊपर से डाल दिए हैं, जिससे कि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। ये देखिए हलवा हो गया तैयार बनके, और
यहाँ पे मैं लगा ले रही हूँ थापा, जो जैसे थापा यही बोलते हैं हमारे यहाँ, थापे लगाते हैं हल्दी के और घी के, इन्हीं को पूजा जाता है माता रानी का, इसको थापा ही बोलते हैं हमारे यहाँ। तो बस मैंने यहाँ पे हाथ पे लगा लिया घी और उसके बाद लगा लिया फिर मैंने हल्दी, और ये यहाँ पे हमारे ऊपर में पूजा है तो इसके नीचे ही मैं दीवार पर लगा दे रही हूँ। और यहाँ पे फिर मैंने बना ली थी उसके लिए पूड़ियाँ, जैसे अठावरी, अठावरी से भोग लगता है माता का, 8 पूड़ी मैं इसमें से निकाल लूँगी और बची हुई गाय को दे देंगे खाने के लिए। और ये देखिए उसमें बस सिंपल सा मसाला देके इसको कोमरी को बना दिया था नमक मिर्ची हल्दी डाल के, तो ये माता रानी की भोग की थाली तैयार हो गई है, जिसमें मैंने हलवा लिया है थोड़ा सा और चने लिए हैं और पूड़ी लिए हैं, और बस यहाँ पे हवन कर ले रही हूँ। हवन करके फिर इस पर हम ये चढ़ा देंगे और इसको ले जा, फिर इस सारे सामान को लेके फिर मंदिर जाना होगा। इसी तरीके से मतलब पूजा की जाती है हमारे यहाँ, तो सिंपल सा बहुत तरीका है। और 9 दिन के व्रत थे सच में माता रानी के, इतनी जल्दी निकल गए और कुछ पता ही नहीं चला, और आज लास्ट भी हो जाएगा, आज माता रानी विदा भी हो जाएंगी। वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन आज थोड़ा सा ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि डेली का जल्दी जल्दी फिर उठना, काम करना, पूजा करना, वो सारी चीज़ें, पूजा वूजा, मंदिर जाना काफ़ी अच्छा लगता था, लेकिन आज अब बस लास्ट हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, पूजा वगैरह अभी वो और कर लेंगी, फिर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे मंदिर के लिए। और आज लेट भी हो गया था इसी चक्कर में हमें काफ़ी। और यहाँ पे जो मैंने जो लगाए थे ना थापे, तो बस उसको भी मैं इसी तरीके से यहाँ हलवा पूड़ी और इनसे पूज दूँगी, और थोड़ा सा पानी दे देंगे क्योंकि पाली पानी पिलाना बोलते हैं इसको। और इसके बाद फिर देखिए हम आ गए थे मंदिर, और मंदिर में काफ़ी लेट हो गया था हम लोगों को, तो यहाँ पर कितनी पूड़ियाँ आप देख सकते हैं, मतलब कुत्ते भी ना आप नहीं खा रहे हैं, कुत्तों का भी पेट भर गया, वो भी इसको छोड़ के चले गए काफ़ी सारी। बाद में मुझे लग रहा है यहाँ पे सफाई हो जाएगी, और यहाँ पर काफ़ी सारी नीचे में जितनी अग्यारी होती हैं वो हो रखी हैं, और ऊपर में इतनी पूड़ियों का पूरा लगा हुआ है बहुत ज़्यादा। तो बस ये बच्चे भी साथ में गए थे, तो बस हम लोगों ने यहाँ पे कर लिए पूजा। और यहाँ पे मैं जला रही थी, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी तो धूप बत्ती नहीं जल रही थी। अभी 12 बज गए और कोई भी मंदिर में नहीं है, कोई बिल्कुल सब पूजा करके जा चुके हैं, लेट हो गया। तो आज है नौमी वाला दिन, परिक्रमा लगा देते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए परिक्रमा लगा रहे थे, और इनमें अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। और यहाँ पे देखिए इसमें ठाकुर जी विराजमान है राधा कृष्ण की, और ऊपर हमेशा पंखा चलता रहता है। और यहाँ पे ना जितने भी वो हैं सारे इसमें आप देख रहे हैं कि ताले लगा रखे हैं, क्योंकि काफ़ी सारी लेडीजें ऐसी आती हैं ना, इन्होंने पोशाक पहन रखी हैं और फिर वो पानी से इनको नहला देती हैं, ये वो सोचती नहीं, इस वजह से हर उसमें ताला लगा के रखते हैं, बस बाहर से देखो और चले जाओ, क्योंकि पानी डाल देती हैं लेडीजें, काफ़ी सारी ऐसी आती हैं तो पोशाक ख़राब हो जाती हैं। और अलग अलग देवी देवताओं की अलग अलग मूर्तियाँ हैं। तो बस हमारा अभी हो गया है यहाँ पर पूजा पाठ, और अभी हम लोग चलेंगे घर। और अभी तो काफ़ी दिनों बाद ही आना होगा, क्योंकि नवरात्रों में आना हो पाता है वैसे, या क्योंकि वैसा बड़ा व्रत पड़ता है तब, क्योंकि मंदिर हमसे काफ़ी दूर पड़ता है हमारे घर से। तो देखिए अब इसके बाद चलिए हम चलते हैं घर। और घर आने के बाद देखिए यहाँ लग गई मेरे खाने की थाली, जिसमें है कचौड़ी, जो मैंने आपको सुबह बताई था कचौड़ी बनाएंगे सब्जी। और पहले थोड़ा सा रख लिया है मैंने प्रसाद, क्योंकि पहले मैं खाऊंगी प्रसाद, थोड़ा सा हलवा और चने का। और यहाँ पे बच्चे भी खा रहे हैं, हम सब लोग बैठ गए, मम्मी सीखती हुई जा रही थी और पहले आई, फिर आके थोड़ी बहुत जो घर की पूजा थी वो घर की पूजा की, और मम्मी वगैरह का आशीर्वाद वगैरह लिया, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी होता है अपने घर के बड़ों का, तभी कोई आपकी पूजा पाठ सफल हो पाती है, जब घर में आपके बड़े खुश हैं तो, नहीं तो कितनी भी पूजा कर लीजिए कोई काम नहीं आती है। तो बस यहाँ पे मैंने बिस्तर हटा दिया था, तो फिर हम इसी पे बैठ के सब लोग खाना खा रहे हैं। और काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे साथ तो पता नहीं चलता, कैमरा उल्टा ही वो हो गया था सेट, और मैं साथ ही के साथ बैठ गई थी बर्तन धोने, क्योंकि आज 8-9 दिन के बाद खाना खाया था ना, तो फिर आलस आता जाता, इस वजह से फिर मैं इन सारे कामों को पहले कर देती हूँ फ्री,
उसके बाद ही आराम से तसल्ली से बैठूंगी। तो ये गंदे सूख रहे थे बाहर, और यहाँ खाना वाना खाया था तो फिर ये गंदा हो गया था। तो फिर इसको एक बार अच्छे से झाड़ लूँगी, और फिर इसके बाद इस पर मैं डाल दूँगी गद्दे और थोड़ा सा, वैसे तो ये साड़ी भारी नहीं है पर इसकी थोड़ी सी लेस भारी है। तो सारा काम ख़त्म करती हूँ, पूजा वगैरह हो गई है तो सोचती हूँ, देखूँगी बाद में फिर इसको भी चेंज कर दूँगी। तो बस वही वाली बेडशीट डाल दी मैंने क्योंकि ये सूख गई थी। और अभी थोड़ा सा तेल वेल डाल के कंघी वंगी कर लेती हूँ, और बस आज हो गया नवरात्रों का लास्ट। और माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे, अगली बार माता बहुत अच्छे से आए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और अभी फ्री होते होते बज गया था, 1:30 बज रहा है। और मैं लूँगी नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो ब्लॉग के साथ में। अगर ये वीडियो आपको अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।